हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। रीडिंग थोड़ा सा लेट हो गई है इसलिए क्योंकि मेरे पड़ोस में शादी थी, तो बारात की निकासी होती है, तो हमारे यहाँ निक्रोसी बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। तो वो सारा बैंड मेरे दरवाजे पे ही बज रहा था बहुत तेज़, तो बहुत साउंड थी तो नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए मैंने रीडिंग थोड़ा सा लेट किया है जब साउंड बंद हो गया तो। ठीक है, चलिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11:11, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। कल तबीयत बहुत ख़राब थी तो नहीं कर पाए थे रीडिंग, फीवर आ गया था मुझे, और आज ठीक है तो मैं कर रही हूँ रीडिंग, कल का कल देखेंगे। तो मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11:11, उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज़, वहाँ पर जाकर के भी वीडियो देखिए, और उसमें बिल्कुल भी सपोर्ट आपका नहीं मिल रहा। प्लीज़ 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 वहाँ पे भी जाओ। अगर जो कोई टॉपिक आपको चाहिए तो मुझे टॉपिक दो, मैं जब भी आराम मुझे मिलेगा जब भी मैं रीडिंग डालती रहूँगी उस पर भी डालूंगी। ठीक है, उसकी रीडिंग कई बार मैं बना देती हूँ पर पोस्ट नहीं हो पाती। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं, डिवाइन से प्रे करें कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं मेरे, तो निकलते ही नहीं है कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, थर्ड पार्टी, पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी, सगुनी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इन एंड आउट। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकंसीडर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिट्रेयल, यस, थर्ड पार्टी है तो बिट्रेयल तो हो गई। ठीक है, बिट्रेयल, सॉरी, थर्ड पार्टी, इन एंड आउट, रिकंसीडर, बिट्रेयल। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कार्मिक, कार्मिक सिचुएशन, कुछ लोगों का रिश्ता ही फैमिली इशू, काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं इस वक्त, काफ़ी कुछ चीज़ें, ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आप लोग, और थर्ड पार्टी, इन एंड आउट, रिकंसीडर, बिट्रेयल एंड कार्मिक एनर्जी है। फैमिली, हो सकता है फैमिली कह रही है कि रिकंसीडर, दोबारा से सोचो, या इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे धोखे के बाद ये रिश्ते में शायद बहुत टॉक्सिसिटी आ गई है, तो इस वक्त शायद आप दोनों ही रिकंसीडर कर रहे हैं, दोबारा चीज़ों को सोच रहे हैं कि इस रिश्ते के बारे में, कि रिश्ता ठीक रहेगा भी कि नहीं रहेगा। हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे हैं और हम आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, कितने व्यूअर्स हमारे सोच रहे हैं कमेंट करके मुझे बताना। यहाँ पे काफ़ी एनर्जी है, बाकी हम इसमें टैरो से देखेंगे कि अब टैरो क्या कहते हैं। रीडिंग के फर्स्ट हाफ को हम लेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है तो आप वीडियो को स्किप करके वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे क्या होता है आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो उसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है आपके अलावा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में।
एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। इसके अलावा एरीज लियो सेजिटेरियस, इन्हीं की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर्स की बात करूँ तो 4 नंबर 6 नंबर 19 नंबर 4 नंबर अगेन, ठीक है। तो 4-4 की दो एनर्जी है। 44 हो सकता है आपको दिख रहा हो, राहु का इन्फ्लुएंस आप लोगों की कुंडली में हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु का इन्फ्लुएंस होगा उनको ये ज़्यादा रीडिंग मैच करेगी। अगर आपको पता नहीं है तो अपना जोड़िक साइन के हिसाब से, अपनी जो जन्म पत्री है उसके हिसाब से देखो, खुद देख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो किसी को दिखाओ। और आप चाहो तो मैं भी ऑफर करती हूँ, आप हमारे भी उसमें नंबर है वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन हाँ उसके चार्जेस ज़्यादा हैं क्योंकि कुंडली देखना बहुत बड़ा काम है, तो उस तरह से देख लेना आप। यहाँ पे 10 नंबर 1 नंबर की भी एनर्जी है यहाँ पे। इस वक्त आपके पर्सन की ज़िंदगी में शादी को लेकर के बातचीत है, कश्मकश है, स्टेबिलिटी को लेकर के, शादी को लेकर के, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, वो एक सेपरेट एंटिटी है, बाद में देखेंगे। पर यहाँ शादी और स्टेबिलिटी आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली शादी, और शादी के माध्यम से स्टेबिलिटी ज़्यादा है। एक फाइनेंशियली एक ऐसी शादी जिसमें एक मॉनिटरी गेन भी है, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो एक ऐसे इंसान से मैरिज करना चाहते हैं जहाँ से उनको पैसा मिले, डाउरी मिले, मतलब गाड़ी, और या फिर वर्किंग पार्टनर मिल जाए, तो जिससे क्या है उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है, एक ऐसी मैरिज। या फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सेटल्ड हो गए हैं, जो ऑलरेडी जिनका फाइनेंशियल अच्छा है और अब उन्हें मैरिज करनी है, ये माइंड में है, ठीक है। तो मतलब दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ में चल रही हैं कि मैरिज करनी है और मतलब एक निजी ज़िंदगी में भी स्टेबल होना है और फाइनेंशियली भी स्टेबल होना है, दोनों ही तरीके से है। द एम्परर की एनर्जी है, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, या पावर है, या ईगो इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, ये चीज़ मतलब पावर में रहना है, जैसे मैंने बोला स्टेबिलिटी इनके मन में बहुत ज़्यादा है। और द एम्परर की एनर्जी जब भी आती है तो ये स्टेबिलिटी को भी दिखाता है और ये किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने को भी दिखाता है, ठीक है, भागने वाला इंसान नहीं है, जिम्मेदारी के साथ किसी रिश्ते को लेकर के आगे चलना चाहते हैं, मतलब जो भी है सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ पावर में होना, जो भी परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं उनसे फाइट बैक करने की एनर्जी है, लड़ने के लिए तैयार, रेडी होना, खुद को स्टेबल करना ताकि है ज़िंदगी की हर परिस्थिति से जूझा जा सके। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत अट्रैक्टिव है, जिसे बहुत ज़्यादा प्यार इमोशंस कर, मतलब इन्होंने बहुत इन्वेस्ट, इन्होंने भी मतलब प्यार इमोशंस नहीं कह सकते, एक ऐसा इंसान जो सेल्फ लव की कंडीशन में है, जो या तो इनको बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, खुद पहले दिखाता रहा होगा, अब तो नहीं दिखा रहा है, अब शायद वो इनको ऑफर कर रहा है, बट अब वो ये उससे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जिस इंसान की तरफ ये बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, अब ये उस इंसान से एक दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। जो पहली एनर्जी आ रही है यहाँ पे, वो यही आ रही है कि ये किसी और को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, कहाँ, जहाँ इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, जहाँ इनकी शादी हो सके। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं कि किसी इंसान से दूर जाने के, किसी इंसान की तरफ आकर्षित तो हैं उसके ऑरा से, उसकी खूबसूरती से, उसके स्टेटस से, ठीक है, उसके जो भी उसके पास है तामझाम जितना भी है, तो उसकी तरफ आकर्षित बहुत हैं। हो सकता है पास्ट में रहे हों, काफ़ी कुछ सोचा हो, लेकिन अब इनके माइंड में ये चल रहा है कि इस इंसान के साथ मैरिज या तो पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही, या फिर क्योंकि डिफरेंस बहुत हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि सामने वाला बंदा बहुत एटीट्यूड वाला है, तो अब इन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया है और ये अब उधर जाना चाहते हैं जहाँ से इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सके, जहाँ से इनको शादी हो सके जिस रिश्ते के साथ, ये उस तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वो इंसान इनकी तरफ देखता हुआ नज़र आ रहा है, वो इनके पीछे है, वो इनकी तरफ देख रहा है, आ तो नहीं रहा है पीछे, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी भी काफ़ी हद तक एम्परर्ड वाली एनर्जी होती है, एटीट्यूड वाली एनर्जी ही होती है, तो ये उस तरह से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो इंसान इनकी तरफ देखता हुआ नज़र आ रहा है, पर ये उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं फिलहाल, ये एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ये है इनके माइंड में, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो भी पास्ट में इन्होंने देखा है किया है, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख गई, बिट्रेयल दिख गया, ठीक है, फैमिली इशू, हो सकता है फैमिली की मर्जी से कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ इन्हें लगता है कि हमारी फैमिली भी खुश रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, तो ये उधर जाना चाहते हैं। चलो अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, आज हम सारे कार्ड क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि कार्ड थोड़े से अलग एनर्जी के साथ में आए हैं। द सन को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, द सन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है इनके माइंड में, क्यों आया है द सन यहाँ पर। यस,
इनको कहीं से हार्ट ब्रेक मिला है, धोखा मिला है, तकलीफ मिली है कहीं से भी, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है जिस क्वीन ऑफ वेंड्स के पीछे ये अब तक पड़े रहे, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, आप जो लोग हमारे व्यूअर्स देखते हो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, बेशक आप लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो, आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, क्योंकि वो रन कर रहे हैं, आप उनको चेज कर रहे हो। चेजिंग से मतलब सिर्फ डायरेक्टली किसी को चेज करना नहीं होता है, रीडिंग बैठ के देखना, पूरे टाइम ये जानने की कोशिश करना कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, इसको भी इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड होना और साथ में किसी को चेज करना, ये होती है एनर्जी इस तरीके से। तो आप जो हो वो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो हम लोग यहाँ एनर्जी रीड करते हैं, लड़का या लड़की से जेंडर से मतलब नहीं होता। तो ये क्या कर रहे हैं, अब अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके का कोई कलेश इनकी ज़िंदगी में रहे, कोई हार्ट ब्रेक रहे। हार्ट ब्रेक मिल चुका, जितना रोना था रो लिया, दुख जो मनाना था मना लिया। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि ये आपके पास आ रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अभी हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हर पॉइंट हर किसी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, बट अभी जो मैं बोल रही हूँ आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको उसमें फिट करके देखना जो भी मैं बोल रही हूँ। फिलहाल इनकी एनर्जी ये है कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में कोई कलेश नहीं चाहते, कोई शापा नहीं चाहते, कोई तकलीफ नहीं चाहते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, रिजुविनेशन चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं, और ये उसी की तलाश में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ये इस वक्त बहुत टूट चुके हैं, ठीक है। अब ये और हो सकता है ये काफ़ी रो धो चुके हैं, काफ़ी रिग्रेट मना चुके हैं, काफ़ी कुछ कर चुके हैं, अब ये वो नहीं चाहते, ये अपनी ज़िंदगी में प्लेजर चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ये उधर जाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर अब तक किसी रिश्ते में थे और शादी नहीं कर रहे थे तो अब ये शादी करना चाहते हैं कि शादी हो जाए, बात ख़त्म, ठीक है। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए, डिवाइन जस्टिस की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं, ये बराबरी करना चाहते हैं, न्याय से ज़्यादा यहाँ पे बराबरी दिखाई देती है। बराबरी इन सेंस किसी ने गलत किया है तो उसको गलत करना है उसके साथ, किसी ने अच्छा किया है तो अच्छा करना है उसके साथ, दोनों ही चीज़ों में बराबरी की एनर्जी दिखाई देती है। बट किसी को खो दिया है, किसी अपने किसी खास को खो दिया है, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी वजह से ये ईगो में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि अगर पास्ट में इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया था तो ये वापस उसी इंसान के पास वापस लौटना चाहते हैं, जहाँ ये बार बार इन एंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि इन एंड आउट की एनर्जी है। अगर ये किसी इंसान को छोड़ के गए थे तो इन्हें अभी एहसास हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है, और क्योंकि जहाँ ये गए वहाँ इन्हें हर्ट ब्रेक मिला है, तकलीफ मिली है, तो इस वजह से अब ये क्या कर रहे हैं, हो सकता है वापस उसी इंसान के पास आना चाहते हैं। सपोज ये मैरिड हैं, ठीक है, आपके साथ हैं, किसी और के साथ हैं, बाद में देखेंगे, पर जहाँ मैरिड हैं पता चला इन्होंने अपने पार्टनर को धोखा दिया और किसी इंसान की तरफ आकर्षित हो गए, उधर चले गए। मैं जस्ट एक सिनेरियो बता रही हूँ, ठीक है, आपके साथ कैसे मैच करेगा वो आप अपने हिसाब से देखना। ये उसके पास गए लेकिन वहाँ उस इंसान के अंदर एटीट्यूड बहुत था, ईगो था बहुत ज़्यादा, उसने ठीक वैसे ही ट्रीट किया जैसे ये करते थे, जैसे ये किसी और को कर रहे थे, अपने पार्टनर को कर रहे थे, सेम वैसे उसने एटीट्यूड के साथ इनको हैंडल किया, लिहाजा इनको हर्ट ब्रेक मिला, तकलीफ मिली। हो सकता है उसने इन्हें थर्ड पार्टी में डाल दिया हो, रीज़न ये, तो इनको क्या हो रहा है कि ये कर्मा इनको मिल गया, अब ये वापस उसी इंसान के पास वापस लौटना चाहते हैं जिस इंसान को ये पहले छोड़ के गए थे, और अब उसको उसके हिस्से का देना चाहते हैं, बिकॉज इनको कर्मा मिला, जब इनको दर्द हुआ तकलीफ हुई तब उन्हें एहसास आया कि कैसा लगता है जब कोई धोखा देता है, कैसा लगता है जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तो ठीक है। तो इस वजह से अब ये काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे कि थोड़ा सा तो एक तो ईगो गुस्सा उस इंसान के प्रति जिस इंसान को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, और वापसी उस तरफ करना चाहते हैं, पावर में आकर के एक्शन लेना चाहते हैं जिधर जिस इंसान को छोड़ के गए थे, न्याय करना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, फाइनल शफल, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन सक्सेस की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, कर्मा जरूर इन्वॉल्व है, सेजिटेरियस हो सकते हैं अभी आपके पर्सन, अभी अपनी जीत चाहते हैं, हारना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं से इनको धोखा मिला है। आपके पर्सन को 99% लोगों की एनर्जी में आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है,
और उस इंसान से धोखा मिला है जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा कंसीडर किया, जो इनके नज़र में हीरो या हीरोइन था, जो जिसकी बहुत वैल्यू थी इनकी नज़र में, उस इंसान ने इनको धोखा दिया है, इनको थर्ड पार्टी में डाला है, हार्ट ब्रेक किया है, इनको वैल्यू नहीं किया है, अब इनको मिला है इनका कर्मा। तो ये एक तो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरी चीज़ इनकी क्या हो रही है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग, ये उस इंसान के साथ में भी हीलिंग करना चाहते हैं जिस इंसान को इन्होंने हर्ट किया है, क्योंकि अब इन्हें दर्द का एहसास हो गया है। दूसरी तरफ ये खुद को भी हील कर रहे हैं, अभी भी इनकी एनर्जी थोड़ी सेल्फिश कह सकते हो, ये पहले खुद को हील कर रहे हैं, ये उस इंसान के पास जा जरूर रहे हैं कि वहाँ पे हम जाके सब कुछ ठीक कर लेंगे, अब हम सही करेंगे, पर उसका बेसिक मोटिव यही है क्योंकि अभी ये खुद दर्द में है, खुद इनको तकलीफ मिली हुई है, तो ये खुद को बेसिकली हील करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए उस इंसान के पास वापस लौटना चाहते हैं। क्या क्या कर दिया मैंने, मुझे खुद भी नहीं याद आ रहा। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वेंड्स, पता नहीं मैंने करा कि नहीं करा, मुझे याद नहीं, मैंने तीन ही बार कार्ड किया शायद अभी तक। चलो मैं फिर से कर देती हूँ, अगर नहीं भी किया तो। क्वीन ऑफ वेंड्स के लिए हो सकता है कोई खास मैसेज हो, प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल क्वीन ऑफ मम्मी, ये अटके हुए हैं, ये सेक्रीफाइस करने के बारे में भी सोच रहे हैं अब उस रिश्ते के बारे में। मैंने जैसे सोचा कहा ना कि अब ये क्या है, स्टक है, उल्टे लटके हुए हैं, ये सोच भी रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में, और साथ में ये अब क्या कर रहे हैं, ये सोच समझ के निर्णय अब लेना चाहते हैं पूरी तरह दिमाग से और प्रैक्टिकल डिसीजन। ये देख रहे हैं कहाँ से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा, कैसे सही हो जाएगा, कैसे इनका भाग्य चमकेगा, ठीक है, यहाँ पे इनकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी, ये उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और उधर ही बढ़ना चाहते हैं अभी। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज। नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी, अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं से धोखा मिला है, जिस इंसान की तरफ ये बहुत ज़्यादा आकर्षित थे उस इंसान से इनको धोखा मिला है, तो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो ये पुराने वाले पर्सन के पास वापस जा रहे हैं, अब वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नया था, पुराना था, एक्स था, कुछ भी है, उस इंसान के पास ये वापस लौटना चाहते हैं, उसके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मतलब एक, जैसे मैंने बोला, एक ग्रे शेड की एनर्जी, एक नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती, फिजिकल अट्रैक्शन है, पैसा मिल सकता है उस इंसान से, सुकून मिल सकता है, या वही वो पर्सन है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है या करती है, या मुझे बहुत प्यार करता है अनकंडीशनली, बाकी और लोग मेरी बदतमीज़ियाँ गलतियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर वो इंसान मेरी गलतियाँ बर्दाश्त कर लेता है, वट एवर, ठीक है, मैंने जस्ट एक बताया आपको क्या। नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी एक सेल्फिश मोटिव को दिखाती है कि कोई ना कोई गंदा सा इनका वाहियात सा कोई इनका मतलब है जिस वजह से ये उस इंसान की तरफ जाना चाहते हैं, और ये ज़्यादातर जो अभी तक एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि ये रिकन्सिडर कर रहे हैं उस इंसान की तरफ ही जाने के लिए जहाँ पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं जिसको ये छोड़ के गए थे, मतलब कल्टी मार रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मिला धोखा तो वापस लौट रहे हैं, ये है स्टोरी, धमाकेदार स्टोरी, केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल किसी को देना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज प्रपोजल किसी को देना चाहते हैं, या किसी तरीके की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को वेट कर रहे हैं, या फिर उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी किसी तरीके की चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में पैसा भी और उस इंसान का साथ भी जिस इंसान के साथ ये अपनी शादी करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस की एनर्जी है, बराबरी करना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं अब बेसिकली है। इनके हिसाब से क्योंकि जब इनको दर्द हुआ है तो इनको समझ आया है कि कितनी तकलीफ होती है जब कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार कर रहा हो और आप उसको धोखा दे रहे हो, पहले इनको इस बात का एहसास नहीं था, अब जब इनका दिल टूटा है, इनको कर्मा बैलेंस हुआ, तब इनको एहसास हुआ कि इन्होंने क्या गलत किया है और अब ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं उस इंसान के साथ, लेकिन मतलब वही, क्योंकि दिल खुद का भी टूटा हुआ है तो कम से कम इसी बहाने जुड़ जाएगा। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, एरिस लियो सजिटेरियस है, चीटिंग हुई है यहाँ, 100% चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, कोई प्लान फेल हुआ है, इन्होंने बहुत कुछ सोचा था
परचेज़ ने ये कहानी दिख रही ना, ये दो कार्ड ही मुझे कहानी बता रहे हैं। ये प्यार भरा कप पहले इसको देना चाहते थे, बट क्योंकि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया था, अब ये उससे टर्न होकर के वापस अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस सन की तरफ जाना चाहते हैं, पावर की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते हैं। अगर सपोज ये मैरिड है तो इन्होंने किसी और के पास गए, उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे, बहुत ज़्यादा सब कुछ किया, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला, तो अब ये वापस अपनी पत्नी या पति के पास वापस लौटना चाहते हैं, वहीं पे सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि यही ज़्यादा सही है, यहीं से हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ है। या सपोज मैरिज नहीं थी तो जो एक इंसान जो इन्हें बार बार इनकी गलतियाँ बर्दाश्त कर रहा था, अब ये वापस उसी की तरफ मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मुझे और कोई नहीं समझ सकता, वो इंसान ही मेरे को सिर्फ संभाल सकता है। कोई चीटिंग प्लानिंग किसी तरीके का फेल हुई है, कहीं से कोई धोखा ज़रूर मिला है इन्हें। ठीक है, और ये बात इनके घर कर गई है, दिल में बैठ गई है बहुत ज़्यादा। अब ये किसी के साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इनका हार्ट चक्रा क्राउन चक्रा ब्लॉक है, ये कुछ है जिसे ये छोड़ना नहीं चाहते, जिसे ये पकड़ के रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये है। ठीक है, ईगो इस वक्त इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, एंगर इशूज़ हैं, गुस्सा हो सकता है इनके अंदर, पावर में रहना चाहते हैं, झुकना नहीं चाहते। सपोज ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ने जहाँ ट्राई किया वहाँ इनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं मिला, अगला सामने वाला बंदा हो सकता है उसने मैरिज कर ली किसी और के साथ में, या थर्ड पार्टी ले आया, या उनको उसने ठीक वैसे ही डील किया जैसे ये किसी और को कर रहे थे। अब इन्हें दर्द का एहसास हुआ है, लेकिन वही कहते हैं ना कि एक एटीट्यूड होता है ना, सख्त लौंडा वाला एटीट्यूड, तो या मतलब जो भी कि मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब मैं मस्कुलाइन की बात कर रही हूँ एनर्जी को लेकर के, तो ये अपनी ईगो, एक तो तकलीफ बहुत हो रही है, दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, सेकंड चीज़ क्या है, ये अपनी ईगो में रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई हमें छोड़ के चला जाए और हम उसके लिए रोएं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो सकता है, तो ये बेशक रोते हों रात के अंधेरे में, लेकिन ये शो यही करेंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस टाइप का इनका एटीट्यूड है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम उसके तरीके का एटीट्यूड इनका हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं ना कि हाँ मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा या बदल दूंगी वाली एनर्जी इनकी आ रही है। द स्टार की एनर्जी है, काफ़ी होपफुल हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये कर लेंगे। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार की लेना चाहते हैं, बट रिस्पॉन्स इमोशनल हैं, बट इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि रात के अंधेरे में बेशक रोते हों पर ये दिन में दिखाएंगे ही, मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके की एनर्जी है। अब तुमने आगे बढ़ के देख लिया, अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ठीक है, तुमने कर लिया, ठीक कोई बात नहीं, जाओ हम भी अपने लिए दूसरा ढूंढ लेंगे। मतलब एक ईगो वाली एनर्जी, एटीट्यूड वाली एनर्जी, गलती की है तो भी एटीट्यूड अपना ही रखना है, उस टाइप की एनर्जी है। ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, यस इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, अब इंटेंशनली ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में लाइफ सेटल कर सके, शादी नहीं हुई है तो शादी कर सके, और भाड़ में जाए सब कुछ, अब हमें किसी के बारे में नहीं सोचना, इस टाइप की इनकी एनर्जी एटीट्यूड है। ठीक है, तुम क्या मुझे छोड़ोगे, तुमसे पहले मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी वाली एनर्जी होती है, कई बार लोगों के अंदर होता है। अच्छा पता चल जाएगा, अच्छा तुम शादी कर रहे हो या किसी से बात हो रही शादी को लेकर, अच्छा ठीक है उससे पहले मेरे को नहीं, कोई मिले कैसा भी मिले, अंधा लूला लंगड़ा सब चलेगा, उससे पहले शादी करनी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं पता ना मेरे को। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। वेटिंग एनर्जी, वेटिंग, अच्छा से शफल कर लो, है ना। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी मेरे साथ चैनल हो जाती है। सेकंड चीज चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, उससे क्या होता है आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे हमें आपकी एनर्जी चैनलिंग होनी शुरू हो जाती है। जब आप लोग कमेंट्स करते हो तो जैसे जो लोग काफ़ी कमेंट करते हैं फ्रिक्वेंटली, तो धीरे धीरे उनके नाम याद होने शुरू हो जाते हैं, तो हम जब रीडिंग करने बैठते हैं तो उस वक्त न चाहते हुए, मतलब ज़रूरी नहीं, हमें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम किसी के ऊपर फोकस करें, अपने आप फोकस चला जाता है, क्योंकि अब जब रेगुलर कमेंट्स हम किसी के पढ़ते हैं तो हमें वो नाम याद होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि बड़े अतरंगी टाइप के नाम होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को समझना ही मुश्किल होता है कि लड़का है कि लड़की है, ये शी क्या हो, और लेकिन खैर कोई नहीं, जो भी है वो याद आ जाते हैं, पिक्चर्स याद हो जाते हैं, डीपीज याद हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि अपने आप वो लोग कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो मतलब मेरे माइंड में उनका प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है,
उसकी वजह से हम आपकी एनर्जी के साथ मैच कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ फिर एनर्जी रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। आप ही से दिल टूटा है क्या भाई, भयंकर गुस्सा भाई साहब, आप ही के बीच में छापा हुआ है। कितने लोगों का कलेश हुआ भाई, कितने लोगों का कलेश हुआ है भाई, आपके पर्सन को लग रहा है आप ही धोखा दियो भाई, बिट्रेयल धोखा कलेश आप ही लोग, कितने लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हैं बताओ, या कितने लोग नो कांटेक्ट में हैं और ये फील कर रहे हो आपको एनर्जी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं या नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। 10-10 की एनर्जी कंप्लीशन, दर्द की इंतहा। कहते हैं ना अगर काफ़ी टाइम से आपके पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के इश्यूज थे, तो अब इनकी कंडीशन ये है कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, बस ख़त्म, अब नहीं सुनना, अब मैं आगे बढ़ूँ रही बढ़ूँगी या बढ़ूँगा, ठीक है। तलवार लेके बैठे हुए सेंटर में, सब किस्मत के यहाँ तो छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे, ठीक है। या फिर किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं या कुछ भी किसी तरीके का जो भी है, एक ट्रेडिशन वगैरह किसी तरीके का हो सकता है, या तो आप लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो या मतलब रिलेशन है आपका, या फिर इंटर रिलीजन हो सकता है, इंटरकास्ट हो सकता है, या अलग अलग कंट्रीज से हो सकते हो, या जो मतलब जो भी है जहाँ पे एक सोसाइटी के नॉर्म्स पे आपका रिश्ता फिट नहीं बैठता और सोसाइटी की एक्सेप्टेंस मिलनी बड़ी मुश्किल है आप लोगों के केस में, तो यहाँ पे ये नहीं चाहते कि कलेश हो सकता है। आपके पर्सन राजी हैं लेकिन शायद आप राजी नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, आप उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, इस वजह से क्या कर रहे हो आप, शायद समाज सोसाइटी इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। सपोज़ आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप अपनी पत्नी अपने पति या अपने पत्नी को या अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते, बट आपके पर्सन चाहते हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और आपको बार बार समझा रहे हैं बट आप नहीं समझ रहे हो कि आप डिवोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सब छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, आप नहीं कर रहे हो, इससे अब ये कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हें नहीं आना, हम भी अब आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पर मैरिड अनमैरिड वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई अब सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, मतलब जैसे बोलो, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, पता ही है आपको क्या क्या हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होंगे, और वो इश्यूज जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स पे आपका रिश्ता फिट नहीं बैठता है, तो कुछ ना कुछ बड़ा है मेजर जहाँ पे आप शायद स्टेप नहीं ले पा रहे हो और जिससे कि आप निकलना नहीं चाहते हो और आपके पर्सन अब खिस जा रहे हैं, या हो सकता है आप भी नहीं निकल सकते, ये भी नहीं निकल पा रहे, तो अब इनका ये है भाड़ में जाए यार, अब इतना इससे ज़्यादा मगजमारी नहीं कर सकते, अब जाओ तुम आगे जाओ, हम कहीं और जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शायद आपको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं मान रहे, रीज़न क्योंकि यहाँ पे ये दो कार्ड है और ये दोनों ही कार्ड ये दिखाते हैं कि इन्हें आप पे आप दर्द दे रहे हो, आप तकलीफ़ दे रहे हो, आपने इनका दिल तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो या तो इनको ये लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके आ गए हो और आप किसी और के साथ में डील कर रहे हो, शक हो रहा है इनको, इस वजह से ये गुस्से में है, और हो सकता है ये किसी से लीगल एडवाइस भी ले रहे हो, अपनी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आप लोग, कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अब सब खत्म हो गया, सब टूट गया, जिसको कहते हैं ना हताश निराश हो जाना, बिट्रेयल धोखा जरूर है, या तो इनको कहीं और से मिला है, या काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ही मतलब ऐसे मान रहे हैं कि आपने ही धोखा दिया है, आपकी वजह से हुआ है सब कुछ, और ये गुस्सा है आपसे। पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं ये इनके माइंड में है। पर सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते किसी भी तरीके की, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। एक साइकिल है जिसको कंप्लीट करना चाहते हैं, हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हुई हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपके साथ हो सकता है दुनिया घूमने जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, तो हो सकता है ये कहीं दूर रहते हैं, आप अलग जगह रहते हो, ये दूसरी जगह रहते हैं, तो हो सकता है ये आपको अपने यहाँ बुला रहे हैं,
या आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। कंप्लीट करना चाहते हैं सब कुछ, ये हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही हो। लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को 21 21 दिखता हो, या 12 12 दिखता हो, या 12 21 दिखता हो, इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। देखो 1 2 1 2 1 या 1 2, ठीक है, अगर दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे काफ़ी हद तक मैच करेगी। एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी है, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, सभी जोड़िक साइन यहाँ पे आ गए, टॉरस और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गई। बाकी द वर्ल्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये सभी कार्ड दिखाते हैं कि कंप्लीशन है, ठीक है। हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, हार्मनी लेकर के आना चाहते हैं, हो सकता है मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सेंसिबल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पास्ट में अगर इनका बिहेवियर ऐसा था कि ये अपने लिए बेटर ऑप्शन ढूंढने के चक्कर में आपके आपको डिश करते थे, तो अब इनको रियलाइजेशन होने लगा है कि ये गलती कर रहे हैं और अब ये चीज़ों को सही तरीके से लेकर के चलना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। और ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, इनका बुद्धि का जो विकास हुआ है ये मुझे दिखता है इसी बात पे है कि इनको कहीं से धोखा मिला है थर्ड पार्टी से भयंकर वाला, तो इन्हें अपनी पेन समझ में आ गया है। काफ़ी सेंसिबल हो रहे हैं, अपना पर्पज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही हो कुछ लोगों की, तो ये अपना सोल पर्पज़ ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं, मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके और अपने रिश्ते में, चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। 14 एंड 5 की एनर्जी यहाँ पे, वो भी 5, ये भी 5, किसी तरीके की लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, तो वो भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपके पास आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मकसद पूरा करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, पैसा भी बहुत माइंड में है इनके, 1 1 1 की एनर्जी बार बार आई है, हो सकता है आप लोगों को 11 11 दिखाई देता हो, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी तो है, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं एक से ज़्यादा। देखो 111 की एनर्जी, अगर 111 आपको दिख रहा है तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं और इन्हें सब में अलग अलग, किसी में लगता है कि ये इनका डिवाइन काउंटर पार्ट है और इन्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए, मैरिज कर लेनी चाहिए, दूसरी तरफ उस बंदे के अंदर पैशन बहुत है, स्मार्ट बहुत है, मतलब देख के ही कुछ हो जाता है वाली एनर्जी है इनको, तो ये उधर की तरफ पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ किसी की तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, किस इंसान के साथ इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, हो सकता है वो वर्किंग हो सकता है या उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है, जो भी रीज़न है फ़ायदा दिख रहा है, तो ये इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो ये उनमें सब में देख रहे हैं कि कौन सा इनके लिए सबसे मुफीद रहेगा। पैशनेट न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, ये बार बार कार्ड देखिए इसी तरीके के आ रहे हैं। ये जो फ्रेंड्स की एनर्जी है, पहले ये हो सकता है इनकी एज कम है अगर, तो ये पहले अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करना चाहते हैं, मेंटली भी काफ़ी अपने आप को मैच्योर बनाना चाहते हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी का फैसला लेना चाहते हैं। हो सकता है कहीं से कोई डिवोर्स वगैरह की एनर्जी भी हो सकती है। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, सिंह राशि, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा, ये एक्चुअली खुद को फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से खुद को ऐसा बना रहे हैं जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें, स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। 8 नंबर, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग और इन्फिनिटी डिवाइन पावर भी इनको मिल जाए, मतलब डिवाइन का सहयोग भी मिल जाए। काफ़ी सीक्रेटिव हैं किसी के लिए अपने लेकर के, ये पता नहीं क्यों इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे ज़्यादा होती दिखाई दे रही है, या ये फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जो बहुत ही पूजा पाठ करने वाला इंसान है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, जिसको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, डिवाइन फेमिनाइन की तरह है कोई इंसान, ठीक है, अपने ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा भरोसा है, सेंसिटिव है, प्योर है, हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, या तो ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा इंसान है इनकी ज़िंदगी में जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, हो सकता है दोनों चीज़ें हों, कि किसी इंसान के बारे में सोच रहे हों और फिर ये खुद भी ट्राई करना चाहते हैं कि मैं भी वैसे ही बनूंगा। अगले 1 की एनर्जी है,
हो सकता है आप लोगों को 11-11 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हो, क्योंकि 1-1 की एनर्जी बहुत आई है, ठीक है, सारे 1 आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़े से कनिंग भी हो रहे हैं अगर ज़रूरत है तो, स्पिरिचुअली फिनेंशियली फिजिकली मेंटली हर तरीके से पावरफुल, आप हर तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर पाए। 5 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल, व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। फॉल्स पर्सन एंड चाइल्ड की एनर्जी है। 18 नंबर एंड 8 नंबर, पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। 9 नंबर भी हो सकता है। ये नंबर्स जब भी मैं बताती हूँ, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी हो सकते हैं, इतने महीने इतने दिन इतने साल आपको मिले हो गए हों, बिछड़े हो गए हों, या ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक बच्चे की तरीके से सोचते हैं कि अब, हो सकता है इनके माइंड में इस वक्त जो एनर्जी आई है उस हिसाब से आपके पर्सन के माइंड में ये हो सकता है कि आप बहुत चालाक व्यक्ति हो, आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा चालाक हो, वैसे हो नहीं जैसे आप दिखते हो, ठीक है, आपने अपना पूरा चेहरा, सही चेहरा इनको नहीं दिखाया, इनको ऐसा लगता है, और इनको लगता है कि ये काफ़ी चाइल्डिश है, ये काफ़ी बचपना इनके अंदर रहा, ये आपको समझ नहीं पाए, इस तरीके की इनकी एनर्जी भी है। दूसरी तरफ ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, बट इनके, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब आपकी एनर्जी इनके मन में इस वक्त, इनके मन में खटास है आपको लेकर के, ठीक है, निगेटिविटी है आपको लेकर के, हो सकता है किसी तरीके का चाइल्ड इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, कि आप बच्चे नहीं हो सकते, या इस तरीके की कोई एनर्जी हो सकती है, किसी के लिए होगा तो मैंने बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे फ्रूटफुल कुछ नया करना है, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, आपने एक मास्क चढ़ाया हुआ है अपने चेहरे पे, आपको समझना बहुत मुश्किल है इनके लिए। ये कोर्टशिप चाहते हैं, ये आपको समझना चाहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन बेसिकली आपको लेकर के थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, अब ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं बेसिकली, ये चीज़ों को आगे लेके चलना भी चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अजीब किस्म के इंसान हो, आप इनकी समझ, इनकी सोच से बाहर चले गए हो, इनको नहीं समझ में आता है कि आप कैसे इंसान हो, अच्छे हो बुरे हो, आपने एक मास्क अपने चेहरे पे लगाया हुआ है, आपको समझना बहुत मुश्किल है इनके लिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को फिर से नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती के तौर पे आपको सही ढंग से पहले समझना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। क्योंकि इनको लग रहा है कि अब तक मैं जो सोच रहा था या सोच रही थी, चीज़ें वैसे नहीं हैं, ठीक है, सबके लिए एनर्जी अलग अलग होगी, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट करो, हर हर महादेव, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया तो कर दो, राधे राधे लिख दो, या आप लिख सकते हो सरेंडर टू डिवाइन, किसी अदर धर्म से हो या सरेंडर टू डिवाइन, तो सभी लोग लिख सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। टेन नंबर एंड 15 नंबर, मैंने कहा 10 10 10, ये कम्प्लीशन आप लोगों के लिए ज़रूर आ रहा है, ठीक है, एक बदलाव बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, किसी तरीके की डेविल एनर्जीज हो सकती हैं। 1 नंबर एंड 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। टेम्पटेशन की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं आपको लेकर के, ठीक है, डेस्टिनी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप उन्हें, हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा एक मेजर इशू है, आपका मिलना आसान काम नहीं है, मतलब वो कहते हैं ना एक जो मैसेज आता है कई बार, नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किस्मत से उनकी ज़िंदगी में आए हो, ठीक है, और भाग्य ही आपका, बेसिकली डिवाइन की भी मर्जी यही है कि किस्मत ही आपको साथ में लेकर के आई है, लेकिन इस वक्त आप लोग काफ़ी टेम्पटेशन में फंसे हुए हो, ठीक है, किस्मत का काम था, भगवान का काम था, डिवाइन का काम था आपको मिलवा देना, उन्होंने मिलवा दिया, लेकिन आप दोनों के अपने अपने कुछ
कार्मिक बैगेज हो सकते हैं, इसीलिए हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, या आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आपको एक नहीं होने देना चाहते, या फिर एक टेम्पटेशन की आपकी खुद की एनर्जी है कि आपकी खुद के, हमारे व्यूअर्स के भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मुझे ये मिले, मुझे ऐसे मिले, मुझे वैसे मिले। दूसरी तरफ आपके पर्सन की भी यही एनर्जी हो सकती है कि उनको, उन्होंने भी अपने दिमाग में एक खाका खींच के रखा हुआ है कि मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, शादी हो, लग्जरी हो, बच्चे हो, फैमिली सब कुछ रहे, मतलब सब कुछ। आप दोनों ने अपना अपना एक बढ़िया सा पिक्चर बनाया हुआ है माइंड में अपनी लाइफ को लेकर के, लेकिन यहाँ पे आप दोनों ही चाहते हो कि सब कुछ पूरा हो जाए, आपका भी हो जाए, आपके पर्सन का, इसीलिए आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है कि दूरी आई हुई है। डिवाइन चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ में आएँ और डिवाइन पर्पज को सॉल्व, मतलब सर्व करें, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो बिकॉज आप टेम्पटेशन में भरे हुए हो। हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपके पर्सन को लगता है कि नहीं यार, सामने वाला बंदा थोड़े दिन बाद लुक अच्छा नहीं देगा, या मेरे साथ मैच नहीं करेगा, कंपैटिबल नहीं होगा, या फिर हमारे बच्चे नहीं हो सकते, या फिर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको उन टेम्पटेशन को आपको भी छोड़ना है, आपके पर्सन को भी छोड़ना है। हो सकता है आप भी उनमें अपनी डिपेंडेंसी देखने की कोशिश कर रहे हो कि अरे ये बंदा आ जाए तो सुंदर भी है और ये मुझे कमेंट, मतलब सपोर्ट भी कर देगा, मतलब अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आप दोनों के अंदर के जो टेम्पटेशंस हैं, जो ज़रूरत बे, मतलब क्या कहना चाहिए, फिजूल के जो दुनियावी चीज़ों में जो भटकाव है या जो आकर्षण है, वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अपनी सैडो साइड्स, अपने अंदर के जो बुराइयां हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। फिर डिवाइन चाहते हैं कि आपको, और डिवाइन हेल्प भी करेंगे, ठीक है, डिवाइन हेल्प करेंगे। हो सकता है जो कुछ भी आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है, डिवाइन प्लान की वजह से चल रहा है, ताकि आप लोगों के अंदर की जो इच्छाएं हैं वो मर जाएं फिजूल की, ठीक है, जो आपने दुनिया में रहते हुए, दुनिया की बहुत सारी होता है ना कि हम आए तो यहाँ थोड़े दिन के लिए हैं, हमें ये नहीं पता कि हम यहाँ कितने दिन रहेंगे और कब चले जाएंगे, बट हम यहाँ डेरा जमा के ऐसे बैठ जाते हैं कि अब तो सदियाँ हमें यहीं गुजारनी है। सब कुछ हम अपनी ज़िंदगी में सब प्लान करके रखते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही चलेगा, ठीक है, और जब हमारे हिसाब से नहीं होता तो हमें बुरा लगता है, गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबका रिएक्शन अलग अलग होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबको यहाँ से जाना है। तो बेवजह के फिजूल के ज़्यादा टेंट्रम नहीं होने चाहिए। एनीवे, होगा वही जो प्रभु ने सोच के रखा होगा आपके लिए, तो मेरे कहने से कुछ हो नहीं जाएगा, पर सच्चाई यही है कि कुछ टेम्पटेशंस हैं जो चमकीली भड़कीली चीज़ें आपको आकर्षित कर रही हैं, उन टेम्पटेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। भाग्य का आपका साथ देगा, आप दोनों की यूनियन होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं, डिवाइन ने मिलवाया ही आपको इसीलिए है। चलिए, ओ मम्मी, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहते हो। यस, मैंने जैसे बोला कि पास्ट में अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था तो अब ये वापस आपके पास लौटना चाहते हैं, ठीक है। ये क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हर चीज़ किसी से रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपकी अपनी, सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया करो कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। मैंने कहा कि आपकी शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन यहाँ हर किसी के पर्सन शादी नहीं करना चाहते होंगे। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप फिर आप बोलोगे कि नहीं मैम, आपने तो ये कहा था। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सब लोगों की है, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होगा, पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ आपको पूरी तरीके से पता है कि आपका पर्सन टॉक्सिक है, वो आपको नहीं पसंद करता है या न करती है, और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, उसने पहले भी कई बार धोखा दिया है, वो ज़रूरत अपने मतलब के लिए आपसे मिलता है या मिलती है और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको रियलिटी को समझना होगा, ठीक है। काफ़ी लोगों के पर्सन यहाँ पे यही हैं कि जो कहना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, यस, यहाँ फैमिली इशू है, काफ़ी सारे लोगों के लिए फैमिली उनकी एक थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि इनको अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेने दे रही है, तो इनका कैरियर इशू है क्योंकि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है नहीं और ये अपनी फाइनेंशियस के लिए फैमिली पर डिपेंड है, और जब फैमिली पर डिपेंड है तो जाहिर सी बात है फैमिली का, इनकी ज़िंदगी का रिमोट जो है वो फैमिली के हाथ में है और फैमिली अपने हिसाब से इनके रिमोट के साथ में खेल रही है।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, मैं वही कह रही थी जब मैं ये बोल रही थी कि फैमिली ने अपने हिसाब से चला रही है, तब मेरे मन में मदर ही आ रही थी और वही हो गया, माई मदर इज़ नॉट रेडी। हो सकता है आप लोगों के केस में उनकी जो मदर हैं वो नहीं चाहते कि आप लोगों का रिश्ता चले, मतलब अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो आपकी मदर इन लॉ का ये बिहेवियर हो सकता है कि वो नहीं चाहती कि आपके साथ वो रहें और खुश रहें। होते हैं बहुत सारे लोग टॉक्सिक होते हैं ऐसे बिना रीज़न के, कुछ लोगों को होता है कि किसी की खुशियों से चिढ़ होती है, तो होते हैं ऐसे लोग भी। या फिर अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो नहीं चाहते हैं कि आपकी मैरिज ही आप लोगों की हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, यस ये कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं और ये आपके बगैर नहीं रह सकते, उसका मतलब यही होता है, ठीक है। क्योंकि बार बार इंग्लिश के वर्ड्स को अगर हम हिंदी में कहेंगे तो वो थोड़े से वियर्ड लगते हैं, ख़राब लगते हैं। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन रिटर्न बैक आ रहे हैं और बहुत सोच समझ के अब आ रहे हैं, ये अपना धोखा खा के अपना लेसन सीख के आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, यस काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन दोबारा से रिकन्सिडर कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि इन्हें धोखा मिला, ये जहाँ गए थे वहाँ इनको वैल्यू नहीं मिली है और इन्हें बहुत बुरी मूँगी खानी पड़ी है, तो अब ये आपके पास वापस लौट के आना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं लेकिन अभी सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, चलो मैं एक बार ये देख लेती हूँ कि बहुत दिन से देखा नहीं कि यस और नो, कोई सवाल अगर आपके मन में है तो वो आप पूछ सकते हो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में जो हाँ सॉरी हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसका जवाब आप और थोड़ी देर सवाल अपना सोच सकते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए। नो, टेन टेन की एनर्जी है, एक कंप्लीशन है, ठीक है। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो उसका जवाब है बॉटम की एनर्जी, अभी तो फिलहाल के लिए नो है, फिलहाल के लिए नो है, बाकी आगे का देख सकते हैं, कुछ लोगों के लिए चीज़ें चेंज हो भी सकती हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल नो है जो भी आपके मन में चल रहा था। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। Express yourself through rhythm and movement of drumming by drumming and dancing. Yes, इस वक्त आपको ना अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है और अपने आप को आप कोई भी हुनर अपना डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, आप ड्रम बजा सकते हो या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, डांस कर सकते हो, गा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, म्यूज़िक से आप थोड़ा सा कनेक्शन अपना बना के रखो जिससे कि आपको काफ़ी हद तक हीलिंग मिलेगी, क्योंकि हो सकता है आपका काफ़ी हार्ड टाइम आप फेस कर रहे हो क्योंकि एनर्जी के हिसाब से वही चीज़ है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को एक्सप्रेस करना है, म्यूज़िक के थ्रू एक्सप्रेस करना है, या तो गाओ या बजाओ कुछ भी, ठीक है, इस तरह से इनकी एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।